हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। और अभी है हम गुजरात में, यहाँ का ट्रेडिशनल है, कैसा लग रहा है ये भी, कैसा लग रहा है। हम लोग पोरबंदर जा रहे थे, पर रास्ते में यहाँ पर जो राम देव और भारती का घर है, तो अभी दोस्तों हम लोग जो पहुँच गए हैं रामदेव और भारती जी के घर पे, हम लोग पहुँच गए। काफ़ी देर हो गई आए हुए, बहुत अच्छी चाय और कॉफ़ी बना के पिलाई। और अब जो इनके घर देख रहे हैं, नया मकान बना रहे हैं साइड में गायों के लिए। आप गौशाला बोलते हैं ना? गौशाला बोलते हैं। और आप सब कैसे हो? वैसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। राम राम सीताराम सभी को। और ये लोग से हमारी बात एक दो बार हुई थी, आज इन्होंने सडनली फोन किया भाई जी ने कि हम लोग द्वारका से आगे आ रहे हैं तो आपके घर आ जाए। मैंने कहा आ जाइए, वेलकम है। तो अभी अभी आए थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ रुक नहीं रहे। इन लोगों को बोले कि आप एक दिन रुक जाओ, तो अच्छा लगा मिलके। एकदम सिंपल लोग हैं, और मैंने बहुत टाइम पहले एक बार वीडियो देखी थी हमने इनकी, तो इन लोगों का काम है वो ट्रैवल का, वो घूमते रहते हैं बच्चों के साथ। आप तो जाते तो हो घूमने के लिए, लेकिन इनके मुकाबले आपके मुकाबले बहुत कम। हाँ, आप लोग बहुत घूमते हो, अच्छी बात है। नहीं, बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि आप साथ में आओ। जी आ गए, ऐसे कह रहे थे कि आप साथ में आओ। हमारा ये प्रॉमिस था, हमारी बात हुई थी पहले, तो कि हम जब मिलेंगे तो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की भी ये थी कि आप गुजरात से हो, विलेज लाइफ से हो, आप राजस्थान से हो, तो आज गुजरात और राजस्थान मिल गए दोनों साथ में। मतलब मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी गांव से है, अभी भी गांव में रहते, बिलोंग गांव से करते। और हम लोगों का क्या है कि आप लोगों की जैसे ही मतलब सिमिलर रीत रिवाज जो होते हैं, रहने का तरीका जो होता है, तो कोई ना कोई जगह कनेक्ट करते, अच्छा लगता है। हमें ना आपका ये ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत पसंद है। मैं मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, इस बार आप आओगे ना राजस्थान, आपको ऐसी ड्रेस देंगे। मुझे था ना, कब का बोल भी रहा था कि ये ड्रेस इसको अच्छी है, और बहुत सारी चूड़ियां होती है। मुझे भी आप मतलब अच्छी लगती है। मैं भी ऐसे सोच रही थी गुजरात में जाऊंगी तो मतलब मैं भी एक बार पहन के ट्राई जरूर करूंगी। और आप लोगों को ना डेफिनेटली पता चल गया होगा कि हमारा आपका हिंदी निकलता है ना, वो भी राजस्थानी स्टाइल में निकलता है। हमारा हिंदी गुजराती वाली निकलती है। ये तो ऐसे होता है, ये कि मदर टंग होती है ना, वो सब क्या होती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आज दो गांव के यूट्यूब चैनल, दो यूट्यूबर्स मिले, तो हमें बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। ये खेत में एक डाणी है, डाणी में रहते हैं, यहीं पर गाय पशुओं को भी रखते हैं, और ये अभी इनको चाटा बांटा डाल रहे हैं, गुड़ डाला। और ये तो जैसे पेलेट्स होता है ना, चाटा का है वो, किस चीज का है? खुड़, जैसे हम खड़ बोलते हैं इसको। हाँ, हम भी खोड़ी बोलते हैं, लेकिन ये पेलेट्स बने हुए है ना। हाँ। अच्छा। मीरा की बेटी। हाँ, इसकी बेटी आप। हाँ, गाय ज्यादा पसंद है इसको, यहाँ पे छोटी है। ये अभी मीरा ने एक दी है मछली, बंसी। और भी सेम इसको बच्चों से बच्चों से प्रॉब्लम है, ठीक से नहीं पकड़ती। दूध का पूरे का वो दही बना के बिलोते है, दूध नहीं बेचते, फिर घी बच जाता, पकड़ा देता है। मियाँ को भी कुछ काटती तो नहीं, काट लेती है कभी कभी। नहीं, यहाँ पर जो मिट्टी है खेतों की, वो मोस्टली काली मिट्टी है आपके आसपास ना? जी, काली मिट्टी। काली मिट्टी है, तो इन्होंने अपने गायों के लिए कुछ बनवाया है, तो उससे जो निकली मिट्टी ना, उसका पूरा ऐसे ढेर लगा दिया। कुंवारी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जमीन के 2 फीट अंदर से निकली है। बेसिकली जो खेती होती है अराउंड 6-7 इंच में उतना ही होती है, तो उसके नीचे की जो होती है कुंवारी मिट्टी हो गई, तो वो जब डालोगे तो वो सोइल का काम करेगी, जैसे कंपोस्ट का काम करेगी। जैसे आपके घर में नारियल का पेड़ है, ठीक है, तो हम तो कभी कभार देखने के लिए जाते हैं, आप तो हमेशा देखते हो और बड़ा भी हुआ है, तो इसके नारियल लग गए,
तो कभी ऐसे होता है कोई नीचे से जा रहा हो उसके सर में आके गिरे? होता है कभी, हमारे तो एक दो है, मेरे ससुराल में ज्यादा नारियल है, वहाँ से ध्यान रखना होता है, और खास करके एनिमल को भी नीचे नहीं रखते, नीचे नहीं बांधते हैं। नारियल ऐसी चीज अगर किसी के सिर पे आया ना तो बस तब चांस कम हो जाते हैं, और ज्यादा हाइट में होता है ना, ग्रीन वाला बहुत हेवी होता है, हमारे यहाँ कई बार गिरता है पूरे जैसे बम फटा ना इतनी आवाज आती है, क्योंकि वो अच्छा उसके ऊपर शिव को लेके जाते हैं। तो ये ना ये है देसी वाली, अच्छा इसकी हाइट बड़ी है एक्चुअल में, वो वाली है ना अभी क्या किया इन लोगों ने कि सुधार के वो छोटा कर दिया, अब सुंदर तो ये दिखता है अभी। शकरकंद बोलते हैं हम, हाँ। हम हमारी लैंग्वेज में रतारू भी बोलते हैं। ये आपकी जमीन अच्छी है ना तो सब चीजें अच्छे से होती है, हमारे तो गाजर लगाए ना वो भी इतनी पतली पतली होती है, अच्छे से होती नहीं है। आपकी एक बीघा जमीन भी जो है वो कीमती है, पर हमारे उधर 10 बीघा भी उतना काम नहीं कर सकते क्योंकि बारिश के ऊपर ज्यादातर डिपेंड है। आप एक साल बारिश ना हो तो ठीक ठाक चल जाएगा, दो साल नहीं होती तो फिर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, फिर तो रेत में पानी। हमारे उधर जो बारिश हो गई उस पे डिपेंड है, महीने में एक बार हुई वही पर बस है ही नहीं। हमने सुना है कि वो रेत में आप कपड़े सुखा देते हो, सूख जाते गर्मी में कुछ नहीं होता, और वो ऐसे करे ना तो एकदम साफ ऐसे नहीं लगती नहीं। इनकी एक अच्छी चीज मुझे लगती है ना, मुझे घोड़ों वालों को खास, हमारे यहाँ ना घोड़ों के लिए बालू डालनी होती है, और इनके यहाँ घोड़ों को कहीं भी लगा दो बालू ही बालू है, बालू बालू। हम लोगों को घोड़े के शौकीन है, वो रखते हैं ना, घोड़ी रखती है वहाँ पे। और आपके उधर के घोड़े बहुत तेज चलते हैं इनके, लेकिन हमारी जमीन में नहीं चलेंगे, हमारी जमीन होती है उनके लिए थोड़ी कड़क, वो जमीन आपकी है जो उसमें पैर अंदर जाते हैं, पथरीली नहीं है ये जमीन, थोड़ी पथरीली, नीचे पत्थर आ जाए। तो ये आपके खेत है, इनके अंदर आपने बो रखा है जीरा, ये खेत में जीरा है, बड़े वाले में चने हैं, एक में ज्वार है, दूसरे में जीरा है, उसके दूसरे में ज्वार नहीं, वो हमारा नहीं है, ये आगे से इस तरफ नहीं है। अच्छा ये बस खेत का कि ये इनका आपका, ये बॉर्डर है, ये भाई भाई है ना सब, हाँ आपके चाचा ताऊ का होगा, नहीं हमारे होता है ऐसे होता है, नहीं भाइयों में तो ऐसे ही होता है। अकाल पड़ा था अभी जो है ना लास्ट ईयर, इस बार कुछ भी नहीं हुआ खेतों में, जिसके 20-20, 50-50 बीघा खेत भी थे वो 20,000 भी नहीं लेके एक खेत से। हमारे यहाँ अभी बहुत बारिश हुई, बारिश नहीं आई, हाँ। क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं ना बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई ऐसे हम बोलते हैं ना, तो जो राजस्थान के व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं कि यार यहाँ भेज दो, यहाँ नहीं हो रही। ये सही बात है, मैं बताऊँ आपको, गुजरात और राजस्थान आधा इस साइड में क्या है वो लगती है अरावली पर्वतमाला, तो इस साइड में रोक लेती है बारिश, इधर ज्यादा रह जाती है आधे राजस्थान में और गुजरात में, उधर नहीं जा पाती है, हाँ। उसकी वजह से नहीं होती है। ओके, तो आप दूसरी साइड में है, हाँ। हाँ। ये लोग है अपना बीकानेर, बीकानेर जो जहाँ की वो भी फेमस है ना, क्या बोलते हैं, भुजिया, रसगुल्ला, बीकानेर की भुजिया जो हमने खाई थी, सेवैया जिसको हम सेव बोलते हैं, तीखी, वो बहुत फेमस है। वही मुझे ना बीकानेर जब स्कूल में थी तब मुझे एक कैसे पता चला था, सारेगामा पर आता था तो उसमें एक राजा करके बीकानेर से था सिंगर, बहुत टाइम से, बहुत सालों पहले, तो तब से मुझे वो नाम याद। राजस्थान डेफिनेटली आएंगे तो संजय भाई को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पुरानी पुरानी चीजें हैं अभी भी बहुत ज्यादा, वो हमें देखने का मन है। बड़ का पेड़ आपका बहुत पुराना लग रहा है, हजारों, ये उसी का पार्ट है, वो मेल है, अजय फीमेल है, हाँ। वो मेल है, मतलब तो मैंने ऐसे आज तक झूला नहीं हूँ, सुना तो है, देखा भी है कि बड़ के पेड़ के उधर बड़ नहीं होते ना, हाँ, कम होते, पीपल ज्यादा होते, पीपल होते, ये बड़ के पेड़ के झूला इसी की जड़ों का है, हाँ। जड़ है ना इसकी, जड़ी है इसी की जड़, ये नेचुरल है, ये तो आपके खेत में ही आता है सर, ये खेत का ही हिस्सा, लेकिन यहाँ पे कुआ था ना तो पुराने टाइम में कोस से पानी निकालते थे, ऐसे यहाँ से खींचते, फिर यहाँ पानी डल जाता पूरा, यहाँ पर क्या है कि जल स्तर काफी ऊपर है, जो बरसात का पानी आता है उसे और भी ऊपर आ जाता होगा, हम रिचार्ज करते हैं बरसात का पानी, इसमें जाने देते, इसमें तो नहीं जाता मेरा दूसरा कुआ, उसमें जाने देते, वापस भरता पानी उसमें, हाँ वो भरता रहता है, भरता रहता है, हाँ, तो वापस रिटर्न मिलता है, ये मुश्किल 50 फीट होगा नहीं, 40 फीट है मेरा जो डीप वाला है, वो 80 फीट है, 80 मतलब यहाँ पे 100 की रेंज है मैक्सिमम, 100 में तो पानी मिल ही जाता। और अंकल जी राम राम, कैसे हो? ओ ठीक ठाक, ठीक ठाक, क्या बना रहे हो आप? ओ रेंगन का भरता, बैंगन का भरता, बैंगन का भरता सीधा इसके ऊपर रख दिया है, कुछ अंदर डाला है आपने? नहीं, कुछ डाला नहीं, कुछ भी नहीं डाला, नहीं नहीं, ऊपर से ये साल निकाल के सुधारे ना, वो गारना पड़ता है, ये हमारे गुजरात की फेमस डिश है, बाजरे का रोटला और ओरा, बैंगन का जो ओरा बोलते हैं, इसमें कुछ डाला नहीं, सीधा ही खाना है? नहीं, अभी पूरा तड़का लगाएंगे, बनाएंगे, अच्छा थोड़ा वघार देना पड़ता है, अच्छा हल्दी मसाला मधु साल निकालता है, उतर से ऊपर से, अच्छा
इसके अंदर से पानी सा निकला है कि कुछ छिलका निकाल देना, गर्म होता है आपसे बनवाना है फिर इनसे बनवाओ एक क्या चीज रोटी, ये तो रोज ही बनाती है, आज ही बनाई थी, यहाँ बनवानी है। ये मम्मी जी भारी बहुत बना रहे हैं, इवा कोई थी नहीं बनता है, मम्मी जी वा कोई थी नहीं बनता। देखो भाई अपनी तरह राजस्थान की तरह यहाँ पे भी बाजरा खेतों में बोते हैं और बाजरे की रोटी भी खाते हैं। और ये हम हमारी कम्युनिटी ज्यादा है इसके लिए। अच्छा आप ही ज्यादा करते हो गुजरात में, बाकी सब जगह ये नहीं होता। बैंगन का फड़का या ओरा बोलते, ओरा ही बोलते। अच्छा ओरा बोलते हैं आपके लैंग्वेज। अभी भारती जी हमारे लिए बना रहे हैं बैंगन का भरता। ये स्पेशल, हम तो इसी भाषा में समझेंगे। ओरा बना रहे क्योंकि ओरा गुजरात का फेमस है, ओरा। अच्छा। और अभी ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि ओम और सिया को भी बहुत मजा आ रहा है। हाँ दोनों को भी खेल रही है और ऐसे लग नहीं रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। जब ईमेल पे बात हुई थी, हाँ। तो ऐसे लगता है कि दूसरे यूट्यूबर आ रहे हैं तो उसको कैसा लगेगा, वो होता है ना दिल में। हाँ सही, हाँ ऐसे होता है, भी होता होगा। लेकिन अभी लग रहा है कि हम सिस्टर जैसे हैं। हाँ सही है, वो नहीं लग रहा है। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फैमिली जैसा फील हो रहा है। ऐसा नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई यूट्यूबर है या कोई बाहर से आया है कोई सब्सक्राइबर, ऐसा लग रहा है। हमने भी पहले आपको देखा था, हाँ। तो एकदम ऐसे लग रहे हैं जाने पहचाने। हाँ नहीं बहुत मजा आ रहा है, और आज हमने जाने नहीं दिया, फिर जाने नहीं जाना, यहाँ पे रुक जाओ, यहीं पे रुक के तो हमें और ज्यादा इनके साथ में टाइम बिताने का मौका मिल गया। लेकिन एक बात मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जितना हमें वीडियो में लगते हो ना आप, उससे भी आप बहुत ही क्या बोलते हैं डाउन टू अर्थ एंड बहुत सिंपल है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अभी खाना खाते हैं सब लोग। हाँ अभी हम खाना खाएंगे, खाना आप नीचे बैठ के खाते हो घर पे? हाँ नीचे बैठ के, अभी आंगन में बैठ के खाएंगे। माँ को एकदम गरम गरम रोटियां अच्छी लगती है, तो माँ चूल्हे के पास में बैठ के खा रही है। बैंगन का भरता है और ये है दूध, ऊपर से दूध लेंगे माँ। अभी यहाँ पे खाना लगा लिया और सब बैठ के एक साथ में खाना खाएंगे। रोटी खानी है, ये रोटला खाना, रोटी खाओगे? रोटी तो एक गेहूं की रोटला है, बाजरे का गेहूं की रोटी खाओगे? ये खाना है। ओके, और ओरा भी खाना है ना साथ में? रोटला किसको के लिए? आप बाजरे की रोटी को रोटला बोल रहे हैं, बाजरे की रोटी। ये शायद मम्मी के हाथ का है रोटला, है ना? ये रोटला है, रोटी बोलेगी नहीं, रोटी गेहूं की बोलते हैं। गेहूं की रोटी होती है, बाजरे का रोटला होता है, रोटला। और गाय का दूध पीना होता है साथ में, जैसे ओम के जैसे। ओम जैसे पास में मक्खन रख के खाता है ना, तुम खाती हो मक्खन? मक्खन खाना है, गुड़ भी है वहाँ पे, गुड़ और मक्खन खाना है सब। ये हो गया मक्खन, इडली मां जो जे, बाजरे का रोटला और इसके साथ में गुड़ ऊपर और ये साथ मक्खन। दूध को एक बार तो गर्म किया होगा, गर्म नहीं करते, कच्चा ही खाते हम, गर्म करते ही नहीं हो? नहीं कच्चा, कच्चा आपको टेस्ट करना कैसा लगेगा, क्योंकि हम तो कच्चा ही नहीं, मैंने किया अच्छा लग रहा है। ठीक है, गाय का है ना? क्यूट लगे है, कैसा लग रहा है सिया, कैसा लग रहा है? हमारे साथ वो हिंदी में बात कर रही है, आपके साथ ना बेटा ना सीना। ओके, कैमरा मेरे हाथ में, बोलेगा कौन? मैं बोलूंगी या आप लोग बोलोगे? नहीं, आपको बस खाना अच्छा लगे, सबको अपना घर ही है वही समझ के खाना आराम से। सिवनिया खा ले, ये खत्म करनी है खिचड़ी। ओके खा ले, हम तो ऐसे ही नीचे बैठ के रोज खाते हमारा रोज। ये अच्छी लगी तुमको? नहीं ये खाई नहीं मैं। ओके ट्राई करना दोनों, ठीक है? वो भाजी है और ये ओरा। मारवाड़ी में बताना पड़ेगा जो भी देखा। वो ओम के साथ हिंदी में बोल रही है, बाकी मारवाड़ी बोले समझ में तो आता है क्या? हाँ आता है ना, कुछ बोलो। के बोलू? के बोलो, के बोलो, के भी बोलो। ठीक लगे मन, ठीक लगे। बहुत प्यारी लग रही है हमें मारवाड़ी लैंग्वेज। देखो भाई मुझे यहाँ पर मेरा खुद का फेवरेट खाना मिल गया, बाजरे की रोटी साथ में गुड़ और मक्खन, बहुत ही स्वादिष्ट। गुड़ मक्खन आपको ज्यादा खाना है? ट्रैवल, आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो ना आप? नहीं बाजरे की रोटी खाता हूँ मैं, बाजरे की रोटी खाता और मक्खन, ये देसी चीज है। हाँ।
इसके बाद तो थोड़ी वेट बढ़ जाता है। हमारे ओम और सिया की जोड़ी जच गई, खेल रहे हैं दोनों। एक दो साल बड़ा है वो आपके। नहीं और वही कपड़े की बात चल रही है। और सब बचे, अभी हम भी नेक्स्ट रूम में, हमारा बेडरूम है, लेकिन हम सब यहाँ पे आ गए। उसके बाद में देर तक हम लोगों ने खूब सारी बातें की और उसके बाद सो गए। ये अगली सुबह है। जय सिया राम, जय सिया राम, राम राम सीताराम। आपको आ गई नींद अच्छे से? हाँ, नींद अच्छे से आ गई। सिवनिया को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली हमारे वाली बहन है ना उसके साथ, तो यहाँ पे छोड़ के जाओ, उसकी गोद में से नीचे नहीं उतर रही है ना। राम राम, राम राम सीताराम। हल्की हल्की ठंड पड़ती है नी, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, दिन में नहीं। हाँ, पालो गुच्छा गद्दो इदो छाजी और ऊपर कंबल उड़ा दी। पालो क्या लगो, नींद तो नहीं आई, मैंने टाइम पर फिर जागा ही नहीं है कोई। हां, और वो क्या पेड़ बतायो? बादाम। बादाम तो चिकून बादाम सब कुछ लगा रखे, नारियल। तो कैसी लगी चाय आपको यहाँ की? और राम देना चाय पीता है गुड़ वाली, साथ में गुड़ मिक्स। तो जो आते हैं ना गेस्ट उनको भी पिलाता हूँ। जो गेस्ट आते संजय भाई ना, ये दूध वाली चाय नहीं पीते, आपने देखा होगा। हाँ, तो इसलिए आप बोल रहे थे ना नहीं पीता हूँ, तो फिर दूध वाली नहीं पीता। और ये पी लेता हूँ, असम साइड में गया था, अरुणाचल में गया था, वहाँ लोग लाल पीते हैं अपने इधर। आपने चाय ज्यादा डाल, ये लाल ही है। हाँ, और कड़क वाली रामदेव पीते हैं, और गुड़ डालते हैं। हाँ, शुगर नहीं डालते, गुड़ डालते हैं। उधर लाल चाय बोलते हैं इसको, लाल चाय बोलते हैं। थोड़ी सी काली कर देते हैं, वो गुड़ हो जाता है ना। हाँ, और थोड़ी सी कड़क ज्यादा होती है। हाँ, चाय पत्ती ज्यादा होती है, तो रामदेव भी यहाँ पे वही चाय पी रहा है। और आज ना संजय भाई का कैमरा हमने ले लिया है, तुम लोग ही संजय भाई के चैनल में ना कोई और लोग आ गए। मम्मी और दादी माँ ना एक दूसरे की लैंग्वेज समझ लेते, मम्मी गुजराती बोलते, दादी माँ मारवाड़ी बोलते, लेकिन फिर भी वो कुछ जुगाड़ करके समझ में आ जाता है ना। मम्मी थोड़ा जुगाड़ करा दादी समझ। नहीं, थोड़ा थोड़ा मम्मी भी समझ लेते हैं लैंग्वेज से, एक्शन से। इसका नाम क्या है वैसे? क्या नाम है इसका? वेटला। वेटला। आपने दीता गल कान छिटक जा रही छिटक रही तो बाकी है छिटकन दे दा किता किता छिटक रही अभी वहां स्ट्रांग पॉइंट आ गया वो अब बरवा ना। हां हां मां ले ले तो बाप। हां मैं तेरे ग्लास है ऐसा पिसा के। हां मेरा ना दिमाग तो मेरे गले छिटकड़ा। आप ये चाय के साथ ट्राई करना था, चाय पहले आ गई, ये अभी बात है। ये पोरबंदर की फेमस चीज है। है क्या चीज है? खाजली इसको बोलते हैं। खाजली बनी हुई किस चीज की? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो मैदा से बनी होती है। मैदा से? हाँ। ये चाय के साथ बस इतना सा दे दो, मैं मैदा कम ही खाता हूँ। दादी मैं ट्राई करना है ये, तो ये ना सब की कौन की ये चाय के साथ खाते हैं। राली ए भरते साहब बेसन का चिल्ला। हाँ, तो थोड़ा नमकीन एक तरह से हो गया। हाँ, नमकीन हो गया। धनिया डाला थोड़ी सी, रेड चिली ऐड की है। सीव खाता है, ओम तो नहीं खाता। सिवनिया एंड सिया को भी खाना है स्पेशल, क्योंकि सिया तो खा लेती है, सिवनिया कुछ नहीं खा रही है। ये सुबह सुबह आप लोगों ने बिलोना कर लिया। आप क्या बोलते हो? बिलोना ही बोलते हो? हाँ, बिलोना बोलते हैं। घी रोटी में डाल के खाती है। रोटी में ऐसे करते हैं ना, तो मक्खन सारा एक साथ हो जाता है। हाँ, हमारे भी ऐसे करती है मम्मी। पराठा चलेगा आपको? रोटी खाओगे या पराठा चलेगा? हमारे तो सब चलता है। हाँ। तो ऑलराउंडर हूँ वेज के अंदर। हाँ, हम भी वेजिटेरियन है। इतनी जगह घूम घूम के ऑलराउंडर हो गया हूँ अब। हाँ। नहीं, आप तो बहुत घूमे हो, तो सभी जगह अलग अलग खाना, क्योंकि सभी हमारे राज्य में अलग अलग है सभी जगह। देखो भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, पहले जैसे पत्थरों के अंदर चिनाई करते थे ना मकानों की, वैसे ये भी पत्थरों के अंदर ही कर रहे हैं, लेकिन इन पत्थरों को ईंट के रूप में कटिंग किया हुआ है। ऐसे है, देखो अंदर मिट्टी भी है। ये क्या चीज है? चिनाई के अंदर आसान हो जाता है और काम वही करता है, गायों के लिए। हाँ, ना ये गायों के लिए ही रहेगी पूरी, लेकिन एक एक रूम है, ये पानी का भी साथ में ही है। पानी का लाइन ऊपर लगाएंगे तो इसकी भर्ती करोगे? गाय का मुंह तो आएगा नहीं यहाँ तक, आ जाएगा आराम से, गाय यहाँ खड़ी रहती है। तो भर्ती करोगे कुछ तो नीचे डालोगे थोड़ा और? नहीं, थोड़ा तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये केरस तो आपकी जमीन में यहाँ से भी ज्यादा होती है। राजस्थान के गंगानगर में बहुत गाजर होती है, गाजर होती है। हमने बीट रूट लगाई थी बीच में, लेकिन वो सही नहीं हुई, हो गई।
राजस्थानी ड्रेस पूरा ट्राई कर रहे हैं और मैं गुजराती ट्राई करूंगी, मतलब कैसा लगेगा? इनके तो राजस्थानी बहुत अच्छा लगा है, मेरे पता नहीं आपको भी अच्छा है क्योंकि हाइट है। ये रख दो ऊपर वाला, इसके आप भी देखना पड़ेगा, ऐसे संभलेगा नहीं, पिन लगानी पड़ेगी। ये ऐसे करके जब खड़ी होती है ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, और सिर ढका हुआ ही अच्छा लगता है। शिव की मम्मी राजस्थानी हो गई, मारवाड़ी हो गई वैसे। हाँ। ये मेरे पीछे की साइड में बड़ा माउंटेन रेंज है, यहीं पर हम लोग अभी जाएंगे। और आपको बताया लेडीज लोग तैयार होने में कितना टाइम लगाती है, 2 घंटे से तो वेट कर ही रहे हैं। अभी ना वो एक्सचेंज कर रहे हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है एक दूसरे का, तो वो बाती इनका पहन रही है और शारदा बहन हमारा, तो इसमें तो और भी टाइम लगेगा, उनके पास बहुत बड़ा बहाना है। वैसे ही लगता है तो टाइम लगेगा। एक छोटा वाला भी होता है, लेकिन अभी छोटा वाला ना, अभी वेटला की भी ट्राई करेंगे। वेटला कान वाले? हाँ कान वाले, कान वाले बहुत हेवी होते हैं हमारा। और वो तो पहने पहने, ये गहने तो किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं भी हो, ये तो पहनते हैं। अच्छा, जो पहनते हैं ना वो रियल, शादी होने के बाद ये कंपलसरी है, ये ड्रेस में, ये कंपलसरी है, जैसे हमारी रखड़ी होती है ना राजस्थानी में, वैसे ये ड्रेस में ये आएगा। ट्राई करो, आएगा। थोड़ा सा हेवी लगेगा, शारदा बहन मेरानी के उसमें आ गए और भारतीय मारवाड़ी में चली गई, लेकिन ये दोनों ड्रेस ना अपने आप में ही खूबसूरत है। कान लंबा लंबा हो जाएगा नहीं, ये थोड़ी देर होगा। संजय भाई को भी ना ट्रेडिशनल पहना, लेकिन ये उतारने में भी बहुत टाइम लग गया। किसी लगे सीता वर्गी लागे, कैसे लग रहे, क्या बोल रहे? सीता जैसी लग रही, हाँ लग रही है। तो अभी एक और आ रही है, उसको भी बहुत लोग कैसी लग रही है, ये बात गुजरातन है। कैसा लग रहा है दादी? राजस्थानी है। मेरे मम्मी फिर मेरी नानी है, तो जब भी बहू है ट्रेडिशन कुछ तो इनको अच्छा लगता है, क्योंकि फिर क्या हो रहा है कि आजकल बहू ये जींस में आ गई है ना, आ गई है, लेकिन हमारे तो हमेशा से यही पहनते हैं घर में भी। ये सही लग रही है आपको? अच्छा, बहुत अच्छी लगे, रानी जी भी लगे। हाँ नहीं, रानी सा की एड्रेस है, रानी जी भी लगे। अब जो मैं एक का सपना था हम दोनों का एक्सचेंज लुक, कब से था? कल रात से? कल रात से नहीं, बहुत टाइम से। अच्छा, बहुत टाइम से था, एक साल से, कि जब जाएंगे वहाँ पे तो ये राजस्थानी मुझे ट्राई करना था, शारदा जी को ये ट्राई। देखो मैं एक चीज बता दूं कि अपना देश का जो कल्चर है, अपना अपना खुद का जो है, उससे जो है हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, चाहे राजस्थान की हो चाहे गुजरात की हो। मैं उनको कहना चाहता हूँ जो आजकल जींस पैंट या वेस्टर्न पहनते हैं, इनको भूल जाते हैं, उनको हमेशा और भूलेंगे तब नहीं जब रेगुलर पहनेंगे। कभी कभार पहनेंगे तो वो म्यूजियम में चले जाएंगे, जा ही रहे हैं म्यूजियम में, लोग देखने के लिए जाते हैं। तो ये चीज है, और थोड़ा बहुत ड्रेस छोड़ भी दो ना, तो हमारी जो संस्कृति है ना उसको तो नहीं छोड़ो। वो ड्रेस और भाषा से दो ही चीज है, ड्रेस और भाषा छोड़ दिया तो संस्कृति रहेगी भी नहीं। देश बदले जाए, कदास देश विदेश थे जाए, देश बदल जाए, लेकिन देश नहीं बदल, देश और भाषा नहीं बदलना चाहिए, और देश भी नहीं बदलो माँ, मैं तो वही सोच रहा हूँ। देश बदलता है ना फिर बंदा अपने आप बदल जाता है। नहीं, फिर भी मान लो जाना पड़े तो भी अपनी भाषा और अपनी ड्रेस, ये दो चीज जो पहचान होती है। दूसरा देश, जैसी हमारी है, हमारी थोड़ी सी कड़वी है, दूसरों को थोड़ी सी रफ, वो थोड़ी बहुत समझ में आती है तब कड़वी मीठी लगती है, समझ में नहीं आती है सब एक। लेकिन हमारी गुजरात में हमारी भाषा को कड़वी बोलते हैं, ये कह रहा है ये क्या पहन लिया। पापा कंफ्यूज हो गए थे, ये हमारे ड्रेस में है देखो। दाऊपी जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बहू को ट्रेडिशनल में देखते हैं तो अच्छा ही लगता है। रात को कभी मैंने ये ड्रेस पहन लिया, लेकिन मतलब इनको भी और दादी जी को भी ये बोरले की कमी महसूस हो रही है, मतलब ऐसे लग रहा है कि क्योंकि वो ऑलवेज आप उसके साथ इसके साथ होते हो ना, उनको लग रहा है कि वो भी होना चाहिए भाई साथ में। ए, वो आ जाइए। अभी मैंने पूछा
मतलब कौन सी अच्छी लग रही है दोनों, ये अच्छी तो है पर वो साथ में होता तो और अच्छी लगती। तो ऐसा लगे ड्रेस में मेरे पगड़ी लगा रहे हो? हाँ लगा दो मेयर का ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, मेयर कास्ट का यहाँ का ट्रेडिशनल है, तो मैंने पहन के ट्राई किया है, कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कमेंट करके। और भारती ने रास्ता नहीं ट्राई किया है, ये भी कैसा लग रहा है, एक दूसरे की ड्रेस एक्सचेंज किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, और ड्रेस एक्सचेंज किया इसका मतलब ये नहीं कि हमने ऐसे ही फनी वे में किया, हम पूरी ड्रेस की रिस्पेक्ट करके इसको एक्सचेंज करते हैं। अच्छा लगता है पहन के भी, अच्छा लग रहा है और अच्छा फील भी आ रहा है। अभी पापा आपके लिए पगड़ी रख रहे हैं ऊपर, अभी सेम है सेम है। हाँ हाँ सर बड़ा है भैया का, थोड़ा सा फिट करना पड़ेगा। हाँ अब हो गया, अच्छा एक साइड थोड़ा नीचे एक ऊपर, दोनों बराबर है आपके तो? नहीं इतना खाली बांध दीजिए, पापा ने ऐसे ही बांधा हुआ, वरना एक साइड थोड़ा सा नीचे। ये गुजराती है या मेयर की पगड़ी है? मेयर की पगड़ी है, मेयर की। हां ऊपर यार आ जाओ, हम दूंगे बताएं क्यों कर रहे हो पापा, बोले कोई पहचानेंगे नहीं ऐसे, मेयर साहब के हां कौन है वो कौन है, नहीं पहचानेंगे। आप मेयर हो और छत्री क्षत्रिय हैं, ये राजपूत हैं वैसे तो, और इनके पूर्वज राजस्थान से ही आए थे कहीं से, आपने बताया राजस्थान से, राजस्थान हमारा पूर्वज राजस्थान से इधर प्रांत में आया। हाँ, और अभी भी इनकी भाषा में बोलने में और जो कल्चर है उसके अंदर राजस्थानी झलक दिखती है। तो ये इनके पास में जो घोड़ी है या घोड़ा है, घोड़ी है नाम है इसका, क्या नाम है? तोरल। और अभी प्रेग्नेंट भी है, तो शायद आप फिर कभी आओ, इसका बच्चा भी आ गया होगा। अच्छा, तो ये लोग अभी घोड़ी पे चढ़ेंगे और दौड़ेंगे? नहीं चढ़ेंगे सिर्फ ऐसे ही घुमा रहे हैं, क्योंकि ये ड्रेस में बहुत डिफिकल्ट है घोड़ी पे बैठना। हम लोग जो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में ऑलरेडी लेट हो गए, जाएंगे आगे चलेंगे, यात्रा कंटिन्यू। आज आधा दिन तो यहीं पे हो गया। शारदा जो है वो अभी बैठ गए घोड़े के ऊपर, घोड़ी पर। तू भागे को जो मजा आएगा यार, तू एक काम कर, पगाऊं काठो बीच ले पकड़ ले, ठीक है, और अठू पकड़ ले और थोड़ी सी मोरी खींच, पकड़ो मत घोड़ी को, क्योंकि घोड़ों में ये होता है कि इसका पैर से जैसे जैसे पकड़ोगे वहां पे इसका लीवर है। ऊपर ना बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, लेकिन आप लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा पका हुआ है, पका है। ये पका देखो पका हुआ है, ऐसे तो दो चार दादाजी के बिस्तर में भी मिल जाएंगे मुझे लगता है, ऊपर से सीधा। पापा यहाँ पे रखते हैं, मार्केट में जो मिलता है ना, हाँ। ये बादाम, हाँ ये सब कुछ पापा के यहाँ होता है साथ में, रोज सुबह तीन चार मिलते हैं। टाइगर खाता है हमारा जो कुत्ता है ना, उसको बहुत सुबह उठ के आता है। यहाँ पे इनकी खूब सारी ये चीकू के पेड़ लगे हुए, ये हमें बहुत अच्छे लगे, हमने ऐसे सुना था कि भाई गुजरात में चीकू होते हैं, अभी खूब लगे हुए देखे। अच्छा लगा ना आपको? हाँ अच्छा लगा, रात को हमने पहली बार देखा तो हमें ऐसे लगा वाह चीकू। अच्छा हुआ आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू, नहीं हमें अच्छा लगा है, अभी आपको आना है राजस्थान, क्योंकि आप हमारे घर रुके तो हमारे पूरे गुजरात की तरफ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छा लगे यहाँ पे, गुजरात अच्छा लगे। अब आपको राजस्थान आना है और हमारे राजस्थान की मेहमान गति देखेंगे। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके यहाँ पे बहुत अच्छी है, थैंक यू बहुत, हमें भी अच्छा लगा, अभी हमें भी सुना सुना लगेगा आप चले जाओगे तो। ऊपर भी आ जाओ ना, इसका हाँ यार बहुत ज्यादा निकला, आंकड़ा जी है सर, आंकड़ा पता है आपको, आंकड़ा उसका ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, वो किताबें भी चिपका सकते हैं। ये खूब सारे ऐसे चीकू लगे हुए, एक नहीं तीन चार पेड़ है, लेकिन ये बहुत पुराने हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। राजस्थान के कुछ क्षेत्र में होगरा बोलते हैं, होगरा बोलिए, रेवाड़ी, रेवाड़ी तो उधर रेवाड़ी, इसको होगरा बोलते हैं, रायका परिवार, रायका बोल रहे थे ना उधर के, ये इधर के रायका है। बाय 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 शिवनिया, बाय सिया, बाय शारदा जी, इस तरफ ले लो, बाय।